पाकिस्तान का दिल, लाहौर शहर। तारीख के तमाम सुनहरी और सियाह अदवार का आईना दार, जो कभी 12 दरवाजों तक महदूद था, मगर हर आने वाले को अपने अंदर समो लेने के बाद आज मीलों तक फैल रहा है। जिंदा दिलाने लाहौर के इस शहर से कदरो मंजिलत पाने वाले चंद लोगों में से कुछ आज इस शहर का अमन चुराने पर तुले हुए हैं। ये आजम भेड़िये का गैंग है। बेगुनाहों के खून में हाथ रंगना इन लोगों का मशगला है। ये मूसा यलगार के गैंग के लोग हैं, जो ना सिर्फ सियासी गैंग के लोगों को मारकर खून की नदियां बहा रहे हैं, बल्कि दुश्मनों के हाथों चंद सिक्कों के इवज बिककर अपनों के लहू से अपनी धरती का सीना सुर्ख कर रहे हैं। के बाद दीगरे दो धमाके हुए जिसमें 70 अफराद रुकमय अजल बन गए। के लाहौर का रेलवे स्टेशन है, उसका प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जहां पर यह धमाका हुआ है। नई बिजनेस ट्रेन धमाके इतने जोरदार थे कि उनके फटने से दोनों मुकामात पर खौफ हरास फैल गया। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। मुकामी शहरियों, रेस्क्यू 1122 और रेती एम्बुलेंसों ने जख्मियों को फौरी तबी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचाया। किडनैपिंग, स्ट्रीट क्राइम्स, बम धमाके, जुर्म सर चढ़कर गूंज रहा है। कानून चुप कर तमाशाई बना हुआ है। ताजर तंजीमों ने इस तखरीबकारी का जिम्मेदार तजावजात को ठहराया है। पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से हलाक होने वालों की तादाद के बारे में भी मुतजाद अदाद शुमार दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पुलिस के किरदार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अखबारात में हमारी नाकामी के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, क्यों? क्यों सर, लाख कोशिश के बावजूद जुराइम पेशा लोगों का सुराग लगाने में हम लोग नाकाम हो रहे हैं। सर, मेरे पास एक ऐसा ऑफिसर है जो मुजरिम को जमीन की पाताल से भी निकाल लाता है और ड्यूटी को फर्ज समझकर अदा करता है और वर्दी को कफन समझकर तन पर सजाता है। उसका नाम है इंस्पेक्टर बाशी कमांडो। हेलो, हमारा जिन आदमियों को ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए और जिनको सजाए मौत का हुक्म सुनाया है, उनको रिहा कर दो, वरना ये मासूम रूहें
तौबा तौबा करते हुए आसमान की तरफ परवाज कर जाएगा। सर, दहशतगर्दों ने स्कूल पर कब्जा कर लिया है और वो अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। आई नो, वो हमें ब्लैकमेल करके हमें कमजोर करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। हम उन काफिरों का कोई भी मुतालबा पूरा नहीं करेंगे। बाशी कमांडो। यस सर। हेलो, क्या ला मिनिस्टर के दिमाग में कोई आसमानी मदद मिलने की ख्वाहिश जिंदा है? बड़ा बोल दो उसे कि हर 5 मिनट बाद एक एक लाश गिर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फातिमा है। अपने रहबरों से बोलो कि हमारा मुतालबा मान ले, वरना तुम लोग बेगुनाह मारा जाएगा। ना तो राशिद मिनाज जिंदा और ना मेजर अजीज बट्टी। इस वतन के निगेबान अब सौदागर हैं। अगर हम तुमको ना मिटा सका तो रहबरों के रूप में बैठे ये सौदागर तुम लोगों को बेच डालेगा। ज़र्ब-ए-अज़्म,
सिर्फ वजीरस्तान के पहाड़ों में नहीं, इस मुल्क का बच्चा बच्चा इमाम आली मकाम के सदके में तुम जैसे मुनाफिकों से ज़र्बे अज़्म लड़ने की कसम खा चुका है। एसपी, तुम्हारे एक सिर फिरे इंस्पेक्टर बाशी कमांडो ने आजम भेड़िए के चंद लड़कों को पकड़ा है। उन्होंने इलेक्शन में मेरे लिए बहुत काम किया था। उस इंस्पेक्टर से कहो उन सबको छोड़ दे। राणा साहब, उन लड़कों ने एक हाफिज कुरान लड़की की इज्जत लूटी है। जवान खून है, बैंक लूटेंगे, डकैती करेंगे, कत्लो गारत करेंगे, इज्जतें लूटेंगे। अगर उन बच्चों के सर पर हम लोग हाथ न रखें तो कौन रखेगा? आपकी सिफारिश है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अपने इंस्पेक्टर पाशी कमांडो को समझा दो कि उन बच्चों के सर पर हाथ हल्का रखे, नहीं तो बहुत नुकसान उठाएगा। तुम हमें अदालत की बजाय यहाँ क्यों ले आए हो? ओए चोरला खां, लोड शेडिंग की वजह से लेके आए हैं। अदालत में हमारी जमानत का इंतजाम मुकम्मल हो गया है और जज हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार बैठा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जज साहब तुम्हारी जमानतों के लिए खुद तशरीफ ला रहे हैं। बाशी कमांडो, इंस्पेक्टर बाशी कमांडो को तुम्हारी पहुंच का पता है, लेकिन अब तुम कहां पहुंचने वाले हो तुम्हें इसका पता नहीं। इस मजलूम के बयान से यह बात साबित हो चुकी है कि तुम चारों ने इसकी इज्जत लूटी है। हाँ लूटी है, मगर तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम एक मामूली इंस्पेक्टर हो और हमारे पीछे साहेब इक्तदार लोगों का हाथ है। हम वो तूफान हैं, तुम्हारे जैसे तिनके हमारे सामने बेजान हैं। तुम्हारी पुष्ट पनाही करने वाले साहेब इक्तदार बहुत छोटे और खुदा बहुत बड़ा है। एक हाफिज कुरान की तरफ पांव करके बैठना भी गुस्ताखी है, और तुम चारों कुत्तों ने उसकी इज्जत लूटी है। मेरे ईमान के मुताबिक
इज्जतों और गैरतों के लुटेरों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। शमशेर की कुर्सी और एसपी आमिर खान की वर्दी मिलकर भी मेरे साथियों को एक मामूली इंस्पेक्टर से ना बचा सकी। जी चाहता है इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम दोनों के सीनों में उतार दूं। इस फर्ज शनासी पर तो सारे चैनल्स और सारे अखबारात में बाशी कमांडो के चर्चे हो रहे हैं, क्यों भाई, है कि नहीं? और क्यों नहीं जी, आप जो कहते हो कर देते हो। आप जो मीडिया वाले हो ना, आप तो मीडियम फास्ट बॉलर बन जाते हो। खबर आपके हाथ में आ जाए उसका कचूम्बर निकाल देते हो। ऐसे ही जैसे सब्जी की दुकान पे हल्का सा टींडा बीमार हो तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं, ए जी नादरीन, ए टींडे को बुखार है, पता नहीं से क्या हुआ है, अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो रहा, बस ऐसे ही है कुछ देख सारे बैठे हैं, कुछ मेरे बारे में सोचें, कल को मेरी शादी भी होनी है, मेरी खावड़ा दें। डैड इसका सोचें कुछ। चलो अभी सोचते हैं। आशी जी भाईजान, क्या देख रही हो? इस घर के होने वाले दामाद आए हैं, इनके लिए खाना लाओ। नहीं, खाना वाना मैं खाकर आया हूँ। नहीं तो फिर चाय पियेंगे आप? ठीक है, चलो चाय ले आओ। अभी लाई भाईजान। अरमान साहब, इंशाल्लाह ताला तुहाडे दिल दा हर अरमान पूरा होएगा। ए चाह ते तुहानू मुफ्त च मिली गई है, हुण जे तुहाडे कोल पैसे ने ते मैनू दिओ ताकि मैं तुहानू पापे लिया के दियां, तुसी चाह च डोब डोब के खाओ। शट अप, स्टैंड अप, ओ अबाउट टन, ओके, गेट आउट, ओ थैंक यू। अरमान चाय। थैंक यू। आशी बेटा, आपने अपने मंगेतर को तो चाय पिला दी, अब अपने डैडी को भी पिला दो और एक अपने भाई को भी और एक अब मुझे भी। अंकल जी आओ। अरमान बेटा, आप बाशी भाई से कहें के अपने सर पर सेहरा बांध लें, वरना इनके बाकी के बाल भी सफेद हो जाएंगे। बाशी, सुना है मेरा बेटा अरमान क्या कह रहा है? यार डैड की मानू तो शाम से पहले ही अपने सर पर सेहरा बांध लो। तो फिर मान लो ना। मैंने कसम खाई है कि मूसा यलगार और आजम भेड़िये को कफन पहनाने के बाद ही अपने सर पर सेहरा बांधूंगा। हेलो, कहाँ? मैं अभी पहुंचता हूं। तुमने तो इत्तला दी थी कि मूसा यलगार का भाई कालू यलगार तुम्हारे घर पर मौजूद है। इत्तला ना करती तो तुम मुझसे मिलने के लिए कब आते? तुम्हें पता है एक हफ्ता हो गया है मैं दुबई से शो करके आ गई हूँ और तुम
तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरी जिंदगी का हर पल और हर सांस मेरे फर्ज और मेरे अवाम के तहफ्फुज के लिए है। हम तुम्हें तुम्हारे फर्ज से गाफिल नहीं करना चाहते, बस इतना बताना चाहते हैं कि कुछ हक हमारी मोहब्बत के भी हैं तुम पर। मैं दुबई से तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। ठहरो, तुम्हारी मोहब्बत का तोहफा ही मेरे लिए सबसे बड़ा है। ओ माय गॉड, तुम्हारी इसी अदाओं पर तो रूबी मर मिटी है। अब वजह न कोई इंतजार के लिए है, मेरी सांस सांस मेरे यार के लिए है। अब वजह न कोई इंतजार के लिए है, जिंदगी प्यार के लिए है, जिंदगी प्यार के लिए। I'm not afraid to die.
इंस्पेक्टर। ठीक है, रुक जाओ। जितना मर्जी मारे लेकिन अभी पता चलेगा जब तुम्हारे बाप आएंगे। आएंगे तुम्हारे बाप। खामोश है और दूधे मनासी हो। पच्चीस कर दें ताकि इसकी सिल्वर जोबली तो हो जाए ना। देख लूंगा मैं तुझे। छोड़ूंगा नहीं। चल चल ले अंदर चल ले चंगड़ा ना कलर के। बढ़िया गल्ला करता सा तू राजा ना होवे थे। एक हुण देखो दूसरी वारी किदी आउंदी है। इंस्पेक्टर तुमने एक शरीफ आदमी पर हाथ उठाया है, मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। अदालत में। इस खरमानी च कीड़ा है, इनू मैनू फड़ा ते आप केला ले लै। अगर बुरा ना मनाओ तो एक छोटी जी अर्ज करा। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? सरकार अर्जे वे कि जदो तुसी मुजरम ते सफारशी नु इको लैंड ची लम्या पाउंदे जे ना जिस कानून को हम 5-6 साल बाद तरामीम की जरबों से तोड़ देते हैं।
क्या ताकत होगी उसकी, हाँ? क्या ताकत होगी उसकी है? ये होती है कानून की ताकत, अब पता चला। हवलदार, यस सर, बंद कर दो इस कमीने को। चला चला, अरे उठ जा, मेरी तो रीढ़ की हड्डी भी बड़ी कमजोर है। चला। दो, ओए हमने तो बड़ो बड़ों को अंदर वार दिया, अब देखो तीसरी बारी किसकी आती है। सर, मैडम सानिया, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, पाकिस्तान की ब्यूटी क्वीन। मैडम सानिया, वेलकम टू माय पुलिस स्टेशन। बैठिए, तशरीफ रखिए। वेरी सैड इंस्पेक्टर साहब, बहुत अफसोस हुआ।
मैडम सानिया की सरगर्मियां मैं दुबई में देख चुकी हूँ। पूरी बोतल एक सांस में चढ़ा जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं। पाकिस्तान में उन्हें कलसूम बनी हुई है मैडम सानिया। बहुत अयाश औरत है। वतन के दुश्मनों से भी उसके तालुकात हैं और अंडरवर्ल्ड से भी। और उसके बारे में तुम क्या जानती हो? सुना है मुसा यलगार से भी उसका राबता है, इसीलिए उसने इलाका गैर में पना ले रखी है। ये तो मुझे भी शक है कि मूसा यलगार के पीछे मैडम सानिया का हाथ है। और ये भी यकीन है कि आजम भेड़िये के पीछे मिनिस्टर राणा शमशेर है। मूसा यलगार की जिंदगी हमारी कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मूसा गैंग के कुछ शूटर्स डबल क्रॉस पर राजी हो गए हैं, लेकिन वो इस वक्त जेल में है। जेल? जेल। उनकी जमानतें कराओ, उनके साथ डबल गेम खेलो, वो मूसा यलगार को मारें तो उनको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। चिड़ियाबाज का शिकार नहीं कर सकती मिनिस्टर, मूसा के पीछे भी मैडम सानिया खड़ी है। मैडम सानिया खड़ी नहीं बल्कि बैठी है, वो भी आपके ड्राइंग रूम में। मैडम सानिया मेरी ड्राइंग रूम में बैठी है? यलगार से नमक लगा मैं। हमारी बिल्लियां हमी को मियाओ। दुश्मनों से मिलकर डबल क्रॉस करने वाले अपने अंजाम को चामिल। वाह, बहुत खूब। गुड गुड, वेरी गुड। मैडम सानिया, अगर तुम मुझे इतला ना देती तो इन गद्दारों की जगह मूसा यलगार की लाश होती। आजम भेड़िया और उसके अंदाता तो
मेरे भाई को एक जख्म नहीं दे सकते, लेकिन मैं आप उन्हें जख्म जरूर लगाऊंगा। उन्हें जख्म कब लगाने और कहां लगाने, ये नक्शा भी हम तुम्हें देंगे मूसा यलगार। यलगार, तुम्हारे साथी कोबरा और जाबर ने मेरे साथियों का खून किया है। हमने एक दूसरे के वफादारों का लहू कोई पहली बार नहीं बहाया मेरे दुश्मन, मगर मैं अपने वफादारों के लहू के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा। भेड़िए, तू मेरा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, तू तो यही बच्चा। बच्चे समंदरों से खतरों का हिसाब नहीं लिया जाता। इसे बोल दे भाई, ये जिएगा तो सांस से किन किन कर जिएगा, वरना उसकी बोल्टियां कुत्ते नोचेंगे। बहुत भौंकते हैं तुम्हारे ये कुत्ते, यही काटेंगे तुझे, यही काटेंगे तुझे। इनके काटने से पहले ही इनको कुचला दे दूंगा। मत भूल भेड़िया, मेरे ही टुकड़ों पर पला है। मूसा सरकार ने तेरे साल बिगिने और दांत बिगिने हैं। मिनिस्टर को चलता है, देख लूंगा तेरे मिनिस्टर को। तू क्या देखेगा मिनिस्टर को, मैं देख लूंगा तेरी मैडम सानिया को, जिसके सर पर तू चलता है। ये मैडम सानिया की चाल है, अब तुम मेरी चाल देखो, किस तरह मैं एक तीर से दो शिकार करता हूं। Thank you.
बाशी कमांडो हाजिर है सर। हम तुमसे बहुत खुश हैं इंस्पेक्टर, तुमने मिनिस्टर राणा शमशेर पर हमला करने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। हम भी तुम पर बहुत खुश हैं इंस्पेक्टर, इसलिए कि तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। हमारी एक सिफारिश तुम्हें इंस्पेक्टर से डिप्टी बना सकती है। तुम उस दहशतगर्द को पार कर दो और हम पर हमला कराने के इल्जाम में मैडम सानिया और मूसा जलकार पर पर्चा काट दो। आपकी तो जान बच गई है, लेकिन पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। टाइगर से तफ्तीश के बाद इसका फैसला होगा कि पर्चा किसके खिलाफ काटना है। क्रिमिनल लोगों की ट्रेसिंग, रोज एनकाउंटर, आखिर ये कैसी लाइफ है? कभी कभी तो मुझे डर लगता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे ड्रीम्स, आई मीन मेरे ख्वाब टूट जाएंगे। तुम बहुत बुजदिल हो रूबी। अगर किसी दुश्मन की गोली ने मेरे वजूद को छू लिया तो मुझे शहादत का रुतबा मिलेगा। नहीं बाशी, तुम्हें शहादत चाहिए लेकिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। क्यों, 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 क्यों,
इंस्पेक्टर बाशी। बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे। कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसे कानून के मुहाफिज रोज सुबह उठकर भी याद करते हैं। और सोते वक्त भी मेरी याद में उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। मूसा यलगार, अगर समझ गए हो तो सुनो, मिनिस्टर राणा शमशेर पर होने वाले हमले में मैडम सानिया को मुलव्वस करना चाहता है। और तुम मैडम सानिया को बचाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी दुम पर मैडम का हाथ है। लेकिन इस हमले में ना तो मैडम सानिया का हाथ है ना मूसा यलगार का। अगर मूसा यलगार वार करता तो वो मकार कैसे बच सकता था? इसमें उस रूमर की अपनी साजिश है। अगर तुमने इसमें मैडम सानिया को मुलव्वस करना चाहा, तो याद रखना हमारी अपनी उड़ान तुम्हारे ओहदे से बहुत ऊंची है। एक बार सामने आ जाओ, तुम्हें किसी गहरी कब्र में दफन करूंगा। हम भी तुम पर बहुत खुश हैं इंस्पेक्टर, इसलिए कि तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। हमारी एक सिफारिश तुम्हें इंस्पेक्टर से डिप्टी बना सकती है। तुम उस दहशतगर्द को पार कर दो और हम पर हमला कराने के इल्जाम में मैडम सानिया और मूसा यलगार पर पर्चा काट दो। अब तक तुम जैसे लोग पुलिस वालों को जिंदा रहने के लिए रिश्वत देते आए हैं, मगर आज तुम्हें जिंदा रहने के लिए भी रिश्वत देना होगी और मरने के लिए भी कीमत देना होगी। जिंदगी और मौत दोनों सूरतों में रिश्वत। मौत की रिश्वत बहुत सस्ती है, सिर्फ एक झूठ और एक सच का फासला है। अगर झूठ बोलोगे तो ट्राइगर दबा दूंगा और अगर सच बोलोगे तो जिंदा बच जाओगे। इंस्पेक्टर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, सच बोलूंगा मैं। कायनात की सबसे अजीम और सच्ची किताब कुरान मजीद, इसको गवाह बनाकर बताओ कि मिनिस्टर ने यह हमला खुद करवाया था ना? मैं इस कुरान पाक पर हाथ रख कर सच कहूंगा, यह हमला मिनिस्टर ने मुझे खुद करवाया था, खुद करवाया था।
मैं अपना कफन अपने साथ लिए फिरता हूं। तुम्हारे सब सियासी दावपेच खत्म हो गए राणा शमशेर, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। मुझे गिरफ्तार करने? किस जुर्म में? वो साजिश जिसका जाल तुमने अपने दुश्मनों के लिए बुना था और सात पुलिस के जवान भी शहीद हुए थे। तुम बहक गए हो इंस्पेक्टर, मगर एक बात याद रखना, कवे की चोंच में छिछड़ा जाए तो वो शाहीन से ऊपर परवाज नहीं कर सकता। बदकलामी करने से पहले तुम भी याद रखना मिनिस्टर, बदकलामी का जवाब मैं जुबान से नहीं हाथ से देता हूं। जबान बंद करके चुपचाप मेरे साथ चले आओ, वरना कुत्ते की तरह घसीटता हुआ ले जाऊंगा। तू मुझे घसीटता है या मैं तुझे घसीटता हूं? हेलो एसपी आमिर, ये अपने मातहत से बात करो। ये मेरे पर हुए हमले को मेरी साजिश कहकर पुलिस वालों की हलाकते मेरे खाते में डाल रहा है। जरूर ये मेरे हरीफों से मिल चुका है, लो खुद बात करो इससे। ले बात कर। हेलो, इंस्पेक्टर बाशी कमांडो बोल रहा हूं सर। इंस्पेक्टर, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। राणा शमशेर हुकूमत का जमींदार वजीर है, डू यू अंडरस्टैंड? वजीर हो या फकीर, कानून सबके लिए बराबर है। आप इसकी सिफारिश ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे पास कातिल और कातिल का रिकॉर्डेड बयान भी है और अदालत से लिया हुआ मिनिस्टर राणा की गिरफ्तारी का वारंट भी है। तारिक। यस सर। रेस्ट कर लो इसे। ओके सर। एक बात याद रखना इंस्पेक्टर, कि ये सौदा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मेरी गिरफ्तारी से शहर में तूफान आएगा, मेरे वफादार स्ट्राइक करेंगे। कुत्तों को अगर कॉरपोरेशन वाले ले जाएं तो शहर में स्ट्राइक नहीं होती। ले चलो इसे। चलो मिस्टर। मिनिस्टर की गिरफ्तारी से हमारी पोजीशन दो टके की होकर रह जाएगी। एसपी साहब, मिनिस्टर राणा को बचाने की कोशिश करो। उस इंस्पेक्टर के पास एक जज्बा है जो उसे मेरे सामने झुकने नहीं देगा, और वो है उसका ईमान। तुम उसके ईमान को दौलत के तराजू में तोल दो। आजम बेडिया, कूल डाउन प्लीज। उसके पास कातिल भी है और कातिल का बयान भी और अदालत का वारंट भी। कानूनी तरीके से उसको बचाना बहुत ही मुश्किल है। कानून कानून का पाबंद हो सकता है, मगर आजम भेड़िया किसी का पाबंद नहीं। हमें मिनिस्टर को बचाने के लिए उस जैसे बाज़मीर लोगों की लाशों से भी गुजरना पड़ा तो हम गुजर जाएंगे।
ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इंस्पेक्टर बशारत उर्फ बाशी राणा शमशेर के खिलाफ कोई भी एविडेंस पेश नहीं कर सके और ये साबित हो गया है कि बशारत उर्फ बाशी ने जाती रंजिश की बिना पर राणा शमशेर को गिरफ्तार किया और बेगुनाह लोगों पर फायरिंग करने का ऑर्डर दिया। लिहाजा ये अदालत राणा शमशेर को बाइज्जत बरी करते हुए बशारत उर्फ बाशी को गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाती है। तुमने बगैर पूछे मेरे घर में आने की जुर्रत कैसे की? गिरफ्तारी का वारंट पास हो तो कानून को किसी मुजरिम के घर में दाखिल होने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। गिरफ्तारी का वारंट? किसकी गिरफ्तारी का वारंट? कल के इंस्पेक्टर और आज के कातिल बाशी कमांडो की गिरफ्तारी का वारंट। कातिल? यस, अदालत के बाहर तुम्हारे ऑर्डर पर पुलिस ने फायरिंग की थी जिसमें 3 एडवोकेट्स और बेशुमार लोग मारे गए थे। ये झूठ है इंस्पेक्टर। ये झूठ नहीं, सच है। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। अरेस्ट हिम। नो, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। तुम्हें गिरफ्तारी देनी पड़ेगी बाशी। कामरान, तुम भी? यू नो व्हाट आर यू स्पीकिंग? ओ माय सन, तुम तो जानते हो कि मेरा बेटा बाशी कमांडो किसी बेगुनाह का खून नहीं कर सकता। हाँ जानता हूं, लेकिन इस वक्त कानून का तकाजा है बाशी की गिरफ्तारी। आप क्यों मेरे भाई को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं? आप तो इनके बचपन के दोस्त हैं। हाँ आशी, मैं मजबूर हूँ। कानून जज्बात को नहीं मानता, सबूत मांगता है। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसे। डीएसपी, क्या यह इनाम है तुम्हारे कानून की वफादारी का? क्या यह सिला है मेरी फर्ज शनासी का? क्या यह कानून ने कीमत लगाई है मेरी पासबानी की? हमारे पास कातिल भी है और कातिल का बयान भी, और राणा शमशेर की गिरफ्तारी का वारंट खाक में मिल गए तुम्हारे ख्वाब, और तुम भी खाक में मिल जाओगे। बोल, फायरिंग का ऑर्डर तुमने दिया था, बोल। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, सिर्फ एक बार मुझे जाने दे। फायरिंग करने वालों को ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि उनकी लाशें भी बोल उठेंगी कि फायरिंग हमने की है, हमने की है। Shut up! Shut up! मुझे और तशद्दुद करने पे मजबूर ना करो। मान लो कि फायरिंग के ऑर्डर तुमने दिए थे, वर्दी तो तुम्हारी पहले ही उतर गई है, अब चमड़ी तुम्हारी मैं उतारूंगा, मैं। नहीं एसपी, नहीं, मुझ पर इतना तशद्दुद मत कर। कोई ऐसा वार कर जिससे कि मैं मर जाऊं। अगर मैं जिंदा रहा तो ना राणा शमशेर और ना कोई वर्दी वाला खद्दार जिंदा रहेगा। इस पर
उस वक्त तक तशद्दुद करो जब तक ये पत्थर से पिघल कर पानी नहीं हो जाता। यस सर। हरामजादे, मुझ पर उतना तशद्दुद करना जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सको। मारो। तुझे नानी का दूध याद ना दिलाया तो मेरा नाम कुछ नहीं होगा। बस हम यही जानते हैं। क्योंकि प्यार तुमसे बेशुमार करते हैं, क्योंकि प्यार तुमसे बेशुमार करते हैं। आहे भरते हैं बिछड़ने से डरते हैं, डरते हैं बिछड़ने से डरते हैं। क्योंकि प्यार तुमसे बेशुमार करते हैं। हम तो यार तुम पे जान निसार करते हैं, तेरा ही ख्वाबों में दीदार करते हैं, तेरा ही ख्वाबों में दीदार करते हैं। चाहत का तेरी हम तो इकरार करते हैं, चाहत का तेरी हम तो इकरार करते हैं। Oh,
शुमार करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, वकला के दलाइल, गवाहों के बयानात और मुकदमे की तहकीकात की रोशनी में अदालत बशारत उर्फ बाशी कमांडो को बरी करने के साथ बहाल करने का हुक्म देती है। जेल से रिहाई मुबारक हो सर, बहुत खुशी हुई। मुझे तो पहले यकीन था कि मेरा भाई बेगुनाह है। हाँ ठीक कहती हो बाशी बेटा, आपकी गिरफ्तारी के बाद आपकी बहन आशी ने तो रो रोकर बुरा हाल कर लिया था। सर देखते नहीं इनकी मोटी मोटी आंखों में अभी भी आंसू हैं। बहुत बुरी बात है आशी, तुम तो जानती हो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अपनी प्यारी बहन की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो बेटा ये बातें छोड़ो, सब बातें घर जाकर करेंगे। हम लोगों का यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं, इसलिए कि जिन लोगों ने तुम्हें झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करवाया था वो तुम्हारी रिहाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइंदा ऐसे लोगों से मुतात रहो। शिकारी तो घात लगाए रहते हैं, मगर शाहीन शिकारियों के खौफ से अपनी परवाज नहीं छोड़ते। मेरा सच अदालत में भी जीता है और दुश्मनों के साथ मैदान जंग में भी जीत जाएगा। ना मेरा ओहदा कमजोर है और ना मिनिस्टर राणा शमशेर की कुर्सी कमजोर है। बाशी को अदालत में रिहाई दिलाने वाली मैडम सानिया है। सानिया ओपोजिशन में है और राणा शमशेर हुकूमत का हिस्सा है। कानून का झुकाव साहिब इक्तदार की बजाय हिज्ब इख्तलाफ की तरफ कैसे हो गया? सियासत में तो हार जीत होती रहती है, अदालत में उसकी रिहाई हमारी कमजोरी है।
इंस्पेक्टर बाशी हमारे लिए सोमनाथ का वो मंदिर है जो पहले हमले में फतह नहीं होगा। उसे फतह करने के लिए बार बार हमले करने पड़ेंगे। यू अंडरस्टैंड माई बॉयज? बाशी, तुम्हारे इरादे कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं। मैडम सानिया और राणा शमशेर जैसे करप्ट सियासतदानों ने कानून को अपने घर की लौंडी समझ रखा है और उसे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाते हैं। मैं जानता हूं, यही तो इस मुल्क का अलमिया है बाशी। अब मैं मैडम सानिया और मिनिस्टर दोनों का एतमाद हासिल करके उनकी जड़ों में घुस जाऊंगा और उन दोनों की ताकतें आजम भेड़िया और मूसा यलगार को तड़पा तड़पा कर कुत्तों की तरह मारूंगा। तुम सांपों के बिल में हाथ डाल रहे हो बाशी। अगर राणा शमशेर और मैडम सानिया को पता चल गया कि तुम उनके साथ क्या गेम कर रहे हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जान की परवाह किसे है मेरे दोस्त? वतन पर कुर्बान होने वाले मेजर अजीज भट्टी बनते हैं और वतन से गद्दारी करने वाले मीर जाफर और मीर सादिक बनते हैं। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का कितना खूबसूरत ख्वाब देखा था, मगर मैडम सानिया और राणा शमशेर जैसे करप्ट सियासतदानों ने उस ख्वाब को मिट्टी में मिला दिया है। जब तक एनआरओ के नाम पे करप्शन और बेईमानी को तहफ़ुज़ दिया जाएगा, आजाद अलिया को बचाने के लिए अवाम को तहरीक चलानी पड़ेगी। ऐसे सियासतदानों को तो सिरे से खत्म कर देना चाहिए। जब तक कशकोल हाथों में लेकर असेंबलियों में बैठे हुए वतन दुश्मन खत्म नहीं होंगे तो बाशी कमांडो बागी कमांडो बनकर लड़ता रहेगा। दुश्मन बहुत खतरनाक है कमांडो। इस रास्ते में हर कदम पर तुम्हारी जान को खतरा है। तुम फिक्र ना करो रूबी, कौम अब बेदार हो चुकी है। अगर एक बागी कमांडो मर भी गया तो हर घर से बागी कमांडो निकलेगा।
मैडम सानिया, ये तुम्हारे साथ कौन है? इंस्पेक्टर बाशी कमांडो। नो अब ये कानून का नहीं, हमारा वफादार है। मूसा यलगार, तुझे अच्छी तरह जानता है कि जिस कानून के लिए तूने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया, उसी कानून ने मिनिस्टर के कहने पर तुझे ही मुजरम बनाकर अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया। उस बेवफा कानून के पंजे से तो मैडम सानिया ने मुझे बचा लिया, मगर अब मेरे शिकंजे से मिनिस्टर और आजम भेड़िए को कोई नहीं बचा सकता। यलगार का पुराना साथी और मौजूदा गद्दार है ये, दुबई से आया है और असलम डेंजर नाम है इसका। 5 साल जेल में रहा है ये, और उस असान फरामोश ने इससे एक मुलाकात भी नहीं की है। लेकिन अब नहीं, सोलो काम करना चाहता हूं, ओनली वन मैन शो। हम इसे बड़े महाज पर लड़ाने से पहले छोटे महाज पर ट्राई करेंगे। कत्ल छोटा हो या बड़ा, जुर्म एक ही है। इसीलिए कीमत भी एक है। हर कत्ल की कीमत 20 लाख रुपए होगी। 20 लाख? इस महंगाई में ये रकम ज्यादा तो नहीं। दुबई से आने जाने का फर्स्ट क्लास का टिकट और यहाँ पे रहने सहने का खर्चा भी आपका होगा। तुमने जो कहा हमने दिया। एडवांस। और ये बताएं कि सबसे पहले किसका बैंड बजाना है? बाशी कमांडो को।
जब मैं जेल में था। हाँ बागी कमांडो, मैंने असलम डेंजर को मार दिया है। वेरी गुड। और अफसोस की बात यह है कि उस मुकाबले में अपने भी दो आदमी मर गए हैं। खैर, ऐसी वारदातों में अपनों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। डार्लिंग, हम दो से एक कब होंगे? कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो निभाने के बाद। और इंतजार मेरे बस में नहीं। तन्हाई की रातें काटे नहीं कटती। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी तन्हाइयों में शामिल हो जाओ। रूबी, मेरी मोहब्बत तुम्हारे हर पल में शामिल है और तुम इश्क बनकर मेरी हर धड़कन में शामिल हो।
हेलो मूसा यलगार को आजम भेड़िए की लार चाहिए, मार डालो उसे। जैसा काम वैसा दाम। असलम डेंजर के कत्ल की कीमत और आजम भेड़िए की सुपारी चाहिए। मिल जाएगी। कब और कहां से? आज ही मैडम सानिया से मिल लेना। ओके। क्राइम की मार्केट में तुम जैसे बागियों के लिए दो चीजों की कमी नहीं होती, एक दौलत की और दूसरी औरत की। असलम डेंजर, और भेड़िए की सवारी। कीमत कम है मैडम, अगर कानून से बगावत करके भी कारून जितनी दौलत ना मिले तो क्या फायदा ऐसी बगावत का? गुड टू गुड। भेड़िए को खत्म कर दो, हम तुम्हारे कदमों में बिछा देंगे। कारून का खजाना भी और हुस्न का खजाना भी। तो मैं चलता हूं मैडम। ओके गुड बाय, सी यू। पहले होश में रहना चाहता था, अब मत होश रहना चाहता हूं। इस चंद हजार की शराब में वो नशा कहां जो नशा दो प्यार करने वालों की तन्हाई में है। अगर यकीन नहीं तो हमें अपनी बाहों में लेकर देखो। हम होश में रहे ना रहे लेकिन तुम्हारी शाम को मदहोशियों से भर देंगे।
गुजरती है ना दिन गुजरता है तेरे लिए साजन मेरा तन सवरता है जानू ना जानू काम होने के बाद सर 5 करोड़। एसपी साहब आपने खुद ही तो कहा था कि जो अच्छी कीमत दे उससे बात हो सकती है। कीमत तो मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा है मगर इसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? आजम भेड़िया मिल जाएगा। भेड़िया मिल गया तो बाकी के 3 करोड़ भी आपको मिल जाएंगे। बताइए वो कहां मिलेगा? वो आज इस्लामाबाद से लाहौर एयरपोर्ट पहुंच रहा। तुम्हारी दुश्मनी क्या है? सांप और न्योले में क्या दुश्मनी हो सकती है? लेकिन मैंने तुम्हारी जात को तो नहीं डसा। डसना भी चाहो तो डस नहीं सकते। सौदा करोगे? बिकाऊ समझ रखा है क्या? हर चीज बिकाऊ होती है, बस खरीदने वाले में दम चाहिए। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, बचा सकते हो तो रकम बोलो। 2 करोड़, वो भी आधे घंटे में, मंजूर है? तुम रकम कहां लेना चाहते हो? जहां तुम आजाद होना चाहते हो।
अपने साथी हैं। टारगेट किलिंग में 40 से ज्यादा लोगों को मार चुके हैं, मगर सबूत कोई नहीं। इनके साथ भी सेटिंग कर ले, जितने ज्यादा गाग बनाओगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। जमीर एक है तो खरीदार भी तुम जैसा एक ही होना चाहिए। ये तूने क्या किया है? मजबूरी है, इतनी दुनिया के सामने तुझे उठाया है ना, छोड़ दिया तो मूसा भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? बकुआ भी तो बनाना है ना। कैसा बकुआ? तेरे साथियों ने तुझे छुड़ाने के लिए हमला किया। बोल, तुझे कहां गोली मारूं? क्या? अरे बोल ना, अगर मैंने जगह सिलेक्ट की तो रू सीधी ऊपर जाएगी। मत मार। प्यादे मारे गए तो क्या हुआ? बादशाह तो भी जिंदा है ना, और उसकी जिंदगी का चराव हम गोल करेंगे। ऐ ना, तुम दोनों का शहर जाना खुदकुशी के बराबर है। सिर्फ जीने का शौक हो तो दूसरों को मारने का धंधा नहीं करते। जान हथेली पर रख खरी, अब हमें ये जंग जीतनी होगी। प्लीज कालू डार्लिंग, कूल। बॉस ठीक ही कहता है, शहर में तुम्हारा एक हथियार बागी कमांडो ही काफी है। आज दुश्मन से उसकी जिंदगी ने वफा कर दी, मगर उसके साथी मार दिए हैं मैंने। हमें इतना मिल चुकी है, मगर हमें इतनी खुशी आजम भेड़िए के बाजू को नहीं हो सकती जितनी खुशी आजम भेड़िए के सांस टूटने की हो सकती है। नो टेंशन, आज जख्मी हुआ है, अब सामने आया तो मारा जाएगा। जख्मी सांप और भी जहरीला हो जाता है, अब वो भेड़िया मरने से पहले हमारे इर्द गिर्द के लोगों को काटने की कोशिश करेगा। मैडम सानिया की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। मैडम सानिया के घर पर पहरा लगा दिया है, आप बाकी रकम का इंतजाम करें, ऊपर पहुंचानी है। ऐसा सौदा जब भी हो कर लेना, घबराना मत, मैं तेरे साथ हूं। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा, और पैसे के लिए मैं अपना जमीन, अपना फर्ज, कानून का विकार, मुल्क की इज्जत, सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूं। अरे वाह सर, जमीर, फर्ज, कानून और मुल्क, इन सारी चीजों को बेचने का
आपको तो अवार्ड। जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का मैडम, हमारा उसूल है कि दोस्तों को हम मरने नहीं देते और दुश्मनों को जीने नहीं देते। तुम्हारे उसूल देखकर जी चाहता है कि कबूलियत की इसी घड़ी में अपने रब से अपने लिए जवानी दोबारा मांग लो। मुझे तुम्हारी हसरतों पर हंसी आती है मैडम। ओके, गुड बाय। ना, नो गुड बाय, यू आर वेलकम। हाँ मुसा भाई, मैंने कहा था ना कि वो कुत्ता मैडम सानिया को काटने की कोशिश करेगा। मैडम सानिया पर हमला करने वाले भेड़िये के तमाम कारिंदे मैंने मौत की नींद सुला दिए हैं। कारिंदे मरने से दरिंदे नहीं मरते, दरिंदे मारते हैं तो कारिंदे खुद बखुद मर जाते हैं। अरे मुसा भाई, आप आजकल कुछ ज्यादा ही डरने लगे हैं। आजम भेड़िये की आजादी से डरते हैं या अपनी मौत से? कमांडो,
मौत हो या जिंदगी, इन दोनों पर भरोसा नहीं। वो तेरी घात से घायल होकर भागा है, अब वो तेरी घात में नहीं आएगा। अब उसे मारने के लिए नई घात लगानी पड़ेगी। ठीक है, कोई नया आदमी भेजो, लेकिन होश और शॉर्टकट, और शहर पहुंचते ही मुझसे रब्ता करें। अब भेड़िए का शिकार कौन करेगा? जमात की आंखों में आंखें डाल सकता है, वही शिकार करेगा उस भेड़िए का। और वो अब है कालू जिलगार। तो शहर जाने की तैयारी कर, राजू को भी साथ ले जाना।
मुझे खाना नहीं, दिल को जलाना नहीं, धोखों से मुझको बचा लो। दिल वालो दिल को संभालो, अरमां सारे दिल के निकालो। दिल वालो दिल को संभालो, अरमां सारे दिल के निकालो। कानून से जुड़े हुए राब्तों का एक ब्रिज था एसपी आमिर। उसके मरने से हमारी कुर्सी की एक टांग टूट गई है। इफ यू डोंट माइंड मिनिस्टर साहब, हर कुर्सी पर बैठने वाले के गिर्द बहुत सारे सांप होते हैं, मगर आपने अपनी ताकत चूहों को समझ लिया है, और चूहे कभी सांप का मुकाबला नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन? अगले इलेक्शन में तुम्हारे खिलाफ मैडम सानिया और मैडम सानिया की ताकत मूसा यलगार है, और इन दो ताकतों के दरमियान आजम भेड़िया की ताकत दरिया में तिनके के बराबर है। कुर्सी हमेशा कानून और करेंसी की ताकत पर कायम रहती है, मगर आपकी कुर्सी के नीचे अब सिर्फ एक भेड़िया है जो बहुत कमजोर हो चुका है। अगले 5 साल हुकूमत का हिस्सा रहना चाहते हो तो मूसा यलगार से सुलह कर लो। इससे 2 फायदे होंगे, एक मैडम सानिया कमजोर हो जाएगी, और दूसरा तुम्हारी कुर्सी तुम्हारे पास रहेगी। बात में दम है, मगर मूसा यलगार से हमारी सुलह कौन करवाएगा? सुलह मैं करवाऊंगा, लेकिन मूसा यलगार सुलह की कीमत में आजम भेड़िया मांगेगा। इतनी छोटी सी कीमत पर हमें इतनी बड़ी ताकत मिल जाए तो मुझे ये सौदा मंजूर है। ये आजम का फूल है। उसे यहां बुला लो। मेरे सीने में जो पूछ नहीं रही, कैसे बुझेगी वो आग जो तेरे सीने में लगी है? लहू से। किसके लहू से? सिर्फ एक दुश्मन के लहू से। कहां है वो दुश्मन? वो यहां ही है, अंदर कमरे में। अंदर तो सिर्फ
मिनिस्टर साहब हैं। जहां हमारे लिए इतने काम किए हैं वहां सिर्फ एक काम और, इस मिनिस्टर को हमें मार लेने दो। इसने मुझे और मेरे भाई को बहुत गहरे जख्म लगाए हैं, बहुत गहरे जख्म। कैसे मारोगे बच्चे? सुलह से पहले तो तुमने अपना असला बाहर गार्ड्स के पास रखवाया था। इसकी तुम फिक्र न करो, ये एक मदर मैंने पा लिया था, ये सोच करके कालू जरगार के काम आएगा। राजू, 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 ये तूने क्या किया? मेरे आदमी को मार दिया, मेरे आदमी को। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो गया? मुआहदे से मुकर रहे थे, मैंने इन दोनों को मार दिया। गुड। अब कल के अखबार में एक खबर आएगी कि कालू यलगार ने अपने साथियों से मिलकर मिनिस्टर पर हमला किया और पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन खबर में एक चेंज है, कालू यलगार और उसके साथी ने मिनिस्टर पर हमला किया और कमांडो ने उन दोनों को मार दिया, लेकिन उससे पहले उन दोनों ने मिनिस्टर को मार दिया। यलगार कमांडो के हर रिश्ते के लिए कहर। Yeah.
अगर रास्ते की दीवार बनकर आए हो एसपी, तो गिरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे रास्ते की दीवार बनने नहीं आया। इस मुल्क के सियासतदानों को ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर कोई सिपाही अपनी जान देने के लिए तैयार हो, कम अज कम उसके कफन की तो हिफाजत की जाए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम इस मुल्क को, मेरे पाकिस्तान को, इन चोरों डाकुओं से और हुकूमत के मेहरबानों से इस मुल्क को आजाद करवा दो। फिक्र ना करें एसपी साहब, मैं आज इस मुल्क में पैसे और पावर का गंदा खेल खेलने वालों की चिंता नहीं छोड़ूंगा। आहिस्ता बोलो बागी कमांडो, हमारे कान ऊंची आवाज सुनने के आदी नहीं है। वो इसलिए कि हम चीखती हुई इंसानियत को अपने पैरों तले रौंद कर ही इन कुर्सियों तक पहुंचते हैं। लाशों का पुल बनाकर कुर्सियों तक पहुंचने वाले हुक्मरानों के लिए आज ये बागी कमांडो मौत बनकर आया है। बोल मूसा यलगार कहाँ है, बोल। वो अपने बॉर्डर वाले फार्म हाउस पर रामदास के साथ है। उसके और तुम्हारे दरमियान हमारी कुर्सी की बहुत बड़ी दीवार है, जिसे पार करना तुम्हारे बस की बात नहीं ना। सुना था बंदर के हाथ में माचिस आ जाए तो वो पूरे जंगल को जला देता है, मगर अफसोस के हमने माचिस के साथ तुम्हारे हाथ कुर्सियां दे दी। मेरा फैसले जिंदगी के करते चलो,
फैसले जिंदगी के यूं करते चलो, दुश्मनों की तरफ रोज बढ़ते चलो। फैसले जिंदगी के यूं करते चलो, फैसले जिंदगी के यूं करते चलो। हट जाओ, हट जाओ। इसका खून मूसा यलगार ही पिएगा, मूसा यलगार। मैदान लगेगा तो पता चलेगा कौन मरता है, वतन का वफादार या मूसा यलगार। हाँ, अंजाम से पहले हम इस बागी कमांडो से पूछना चाहते हैं कि जिस मुल्क के खातिर तूने मूसा यलगार जैसे दोस्त को धोखा दिया, उस मुल्क ने तुझे क्या दिया? भूख, अफलास या टेंशन? 64 बरस क्या किया तुमने? ना आटा, ना बिजली, ना पानी, ना पेट्रोल, दहशतगर्दी, करप्शन, ड्रोन हमले, क्या यही है तुम्हारे पाकिस्तान की पहचान? हमारी पहचान हम, हमारी शान खैरत, हमारी आन वतन अजीज की सलामती। अमन और सलामती को बेच देते हैं यहाँ के रहने वाले लोग, कोई रोटी के लिए, कोई जीने के लिए। तुम भी अगर जीना चाहते हो तो कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहना कायदे आजम की तौहीन है, अलामा इकबाल के ख्वाब की तौहीन है, मेजर अजीज भट्टी की कुर्बानी से बेईमानी है, राशिद मिन्हाज के लहू से बददियानती है। कलमा पढ़कर दुश्मन को हम मारेंगे, पाकिस्तान मुजाहिद गालिब को ललकारेंगे। दुश्मन को जो वतन का मसलते चलो, फैसले जिंदगी के जो करते चलो, फैसले जिंदगी के जो करते चलो। अपने वतन की खातिर हमको अपनी जान लुटाएंगे, चाहे हक में मुश्किल आए हम तो ना घबराएंगे, हम तो ना घबराएंगे।
पतंग के खातिर हम तो अपनी जान लुटाएंगे, राहे हक में मुश्किल आए हम तो ना घबराएंगे, हम तो ना घबराएंगे, हम तो ना घबराएंगे। यूं ही जामे शहादत पे लड़ते चलो फैसले जिंदगी के, यूं करते चलो फैसले जिंदगी के, यूं करते चलो दुश्मनों की तरफ रोज बढ़ते चलो।